हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसआर ट्यूटर्स। सो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का जो मैथ्स पार्ट 2 है उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब से हम क्लास 11th के जो मैथ्स पार्ट 2 की सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे एंड देन मैथ्स पार्ट 1 पे जंप करेंगे, ठीक है। सो, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के लिए जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। अब ये जो नंबर है वो जनरली तो डिजिट्स होते हैं, बट वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रियल नंबर एंड दूसरे कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग अनरियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर में भी फिर फर्दर हमारे पास में रैशनल एंड इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर में जितने भी ऑड, इवन, प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि रूट में हो विथ माइनस साइन, उन्हें हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें अंडर रूट ऑफ -25 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। 25 किसका अंडर रूट है, 5 का है, इंटू -1 को यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। सो, कोई भी ऐसा नंबर जो कि अंडर रूट एंड माइनस के साथ में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये -5 हुआ है, यहाँ पर ये -25 दिया हुआ है, तो ऐसे नंबर्स जो कि अंडर रूट के साथ में विथ माइनस साइन दिए हुए हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक जो बेसिक पार्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर एंड साथ में इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर साथ में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, एंड उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हमेशा कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में या फिर आई बी के फॉर्म में अवेलेबल होता है, जहाँ पर ये जो ए और बी है ये क्या है, ए एंड बी क्या है, इट बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहाँ पर आई जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। इसे अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू 3 + 5i। अब मैंने ये 5i को देखा, यहाँ पर बताया मैंने कि ये 5i कैसे आया है। यहाँ पर देखो, जब मैं इमेजिनरी पार्ट क्या होता है नंबर का वो एक्सप्लेन कर रही थी, तब मैंने यहाँ पे बताया कि ये 5i कैसे आया है। अगर हम अंडर रूट ऑफ -25 लेंगे, इसे सेपरेट करेंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 आएगा। अंडर रूट ऑफ 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, एंड -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 को आई लिख सकते हैं, ठीक है। सो, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 3 + 5i, यहाँ पर ऐसे आया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, z इज इक्वल्स टू -2 + 7i दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपके पास में, इसमें जो a और b है जो रियल नंबर है उनकी वैल्यू क्या होंगी। तो अगर ये वाला जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसे अगर हमने किसके साथ में कंपेयर कर दिया, a प्लस बी आई वाले फॉर्म के साथ में कंपेयर कर दिया, तब a की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में, -2 आती है, एंड b की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो a हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, रियल नंबर का पार्ट हो गया, एंड ये जो +7i है, यहाँ पर i आ गया, मतलब कि ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी नंबर का पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का पार्ट कौन सा होता है, ये सभी जो एक्सरसाइज 1.1 है इस लेसन की, वो सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी ये बेसिक सब चीज़ों से, इन सभी बेसिक चीज़ों से। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर का, उन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वो हमेशा z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई और आई बी के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जहाँ पर a और b जो है ये क्या है, दे बिलोंग टू रियल नंबर, एंड i जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1 होती है। एंड यहाँ पर जो मैंने दो बेसिक से एग्जांपल्स बताए हैं उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये सेम एज इट इज़ आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है टेक्स्चुअल लैंग्वेज में वो लिखी हुई है। कभी कभार ये डेफिनेशन भी आपको दे दिया होता है एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में 1 मार्क के लिए, तो ये भी अच्छे से ध्यान में रखना अपने, ठीक है। सो, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन की बात करेंगे, सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर
ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन विथ आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय जेड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि a प्लस आई बी या फिर बी आई के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जिसमें a b जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं एंड जो i है उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम रियल पार्ट ऑफ z की बात करेंगे यहाँ पर, तो रियल पार्ट ऑफ z को हम re से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। re ऑफ z और r ऑफ z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू a। एंड वही अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करनी पड़ेगी, तो जहाँ पर भी ये i आएगा ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z that is I m of z is equals to I b और I of z is equals to I b। ठीक है, I m of z भी लिख सकते हैं या फिर I of z लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम r भी लिख सकते हैं या फिर r भी लिख सकते हैं। जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में I b आ गया वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, एंड जहाँ पर I नहीं आया है वो क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसे अगर हमें सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, नीचे में यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ऐसे करेंगे, z इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट्स ए प्लस बी आई और a एंड b बिलोंग्स टू r विच इज़ अ रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था ये भी एक बेसिक सा डेफिनेशन के साथ में उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं, ए प्लस बी आई या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होंगे, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं एंड आई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन होती है। ठीक है, इसके बाद में अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, सादे ऑपरेशंस, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें अभी क्या डिस्कस करना है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इक्वालिटी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमें इसकी इक्वालिटी फाइंड आउट करनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, फोर आ जाएंगी एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, थ्री आ जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को हम क्या किए, इक्वल किए हैं। यहाँ पर x को 4 के साथ में इक्वल किया है एंड आई वाई को 3i के साथ में इक्वल किया है, ऐसा वो सेम डिजिट्स देख के किया है कि यहाँ पर i कॉमन है, यहाँ पर i कॉमन है, तो यहाँ देखो आई वाई इज इक्वल्स टू 3i हुआ, यहाँ से ii कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल्स टू 3 आया एंड x इज इक्वल्स टू 4 आया। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया हमारे पास में, एक इक्वालिटी के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा ऑपरेशन है, सेकंड वाला एडिशन का है, तो यहाँ पर क्या करना है, सादा सेम डिजिट्स को ऐड कर देना, जैसे 3 प्लस 5 कितना, देखो पहले तो इसको ओपन करेंगे, 3 प्लस 2i प्लस 5 प्लस 3i। ठीक है, सो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 प्लस 3i प्लस 2i इज इक्वल्स टू 5i, इसका एडिशन कर दिया तो ये भी क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो इसमें z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, एडिशन में सादा जैसे हम एडिशन करते हैं वही चीज़ करनी है यहाँ पर, कि ब्रैकेट में से पूरी वैल्यूज़ को बाहर निकाले एंड जो चीज़ें सिमिलर दिख रही है उन्हें एक साथ में लिखा, जैसे 3 प्लस 5 को साथ में लिखा तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, देन 2i प्लस 3i, ये दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, 5i मिलता है। अब ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ये कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, ए प्लस बी आई के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, देन सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करते हैं हम, देखो जैसे यहाँ पर 5 प्लस 2i दिया हुआ है, -3 प्लस i दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी डिजिट्स को हम साथ में ला लेंगे कि 5 -3 प्लस 2i प्लस 1, 5 -3 इज 2 प्लस 3i। अब ये भी जो है 2 प्लस 3i ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
ठीक है, बिकॉज ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। देन फोर्थ ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हम जैसे सादा मल्टीप्लीकेशन करते थे, जैसे 5 × 2 + 3i दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो सादा जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वही यहाँ पर करेंगे, जैसे 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 3i विच इज़ इक्वल्स टू 15i, ठीक है। सो ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसके फॉर्म में अवेलेबल है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में अवेलेबल है, जहाँ पर a क्या हो जाएगा 10 हो गया एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। देन नेक्स्ट हमारे पास में फिफ्थ नंबर का ऑपरेशन कौन सा है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 3 + 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7i + 3 या फिर 5 - 3i, ये क्या है, ये जैसे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो इनका कॉन्जुगेट कैसे है, तो कॉन्जुगेट हमें कैसे निकालेंगे, जितना भी इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये 2i वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये 7i, यहाँ पर ये 3i वाला पार्ट हो गया, तो इनकी साइंस चेंज करनी पड़ती है हमें। जैसे कि यहाँ पर +2i दिया हुआ है, तो अगर इसका हमें कॉन्जुगेट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, -2i लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमें कौन सा दिया हुआ है, 7i + 3 दिया हुआ है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर +7i दिया हुआ है, तो उसका कॉन्जुगेट लिखते टाइम हम क्या करेंगे, -7i लिखेंगे +3। रियल नंबर का जो साइन है वो एज इट इज़ रखेंगे, जो इमेजिनरी वाला नंबर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 5 - 3i दिया हुआ है, तो -3i ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो -3i का कॉन्जुगेट क्या आएगा, +3i आएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा हमारे पास में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें, 3 + 2i दिया हुआ है, अगर इसी के कॉन्जुगेट के साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा हमें, 3 - 2i, 3 + 2i का मल्टीप्लीकेशन 3 - 2i के साथ में, उसी के कॉन्जुगेट के साथ में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे a + b × a - b इट इज़ इक्वल टू a² - b², ये वाला हमने लोअर क्लासेस में ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। सो वही क्या, यहाँ पर हमने a + b इसे कंसिडर कर लिया एंड a - b, सो यहाँ पर a² में हमारे पास में 3² आ जाएगा एंड b² में हमारे पास में 2i का स्क्वायर आ जाएगा। सो 3² - 2i² किए, 3² = 9 एंड 2i² = 4i², ठीक है। देन उसके बाद में अभी हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो अंडर रूट ऑफ -1 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, i होती है, ठीक है। एंड -1 की बात करेंगे तो ये किसकी वैल्यू होती है, i² की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि i² की वैल्यू कितनी है, -1 है। सो 9 - 4 × -1 की है, सो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 4 इट इज़ इक्वल टू 13। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, यहाँ पर एक रियल नंबर ही आता है जनरली, ठीक है। देन एक और अगर हम अभी दूसरा एग्जांपल देख लेंगे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एंड उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में, बट वो उसका क्या है, कॉन्जुगेट नहीं है, तो वैसे केसेस में हम जो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3 + 2i × 2 + 3i दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को पहले 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3i के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 = 6 हो गया प्लस 3 × 3 = 9, तो ये क्या हो गया, 9i हो गया। फिर इसके बाद में 2i का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में करेंगे और 3i के साथ में करेंगे, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4i हो गया प्लस 3 × 2 = 6 × i दो बार आया है, तो ये क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 9i + 4i = 13i + 6 × i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 13i - 6, तो +6 - 6 कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 13i आया, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखे कि दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे एंड अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके कॉन्जुगेट के साथ में हम उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक और चीज़ है जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आप सभी को पता होनी चाहिए, पावर्स ऑफ आई के जो वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है। अगर सिंपल आई दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक है। अगर हमें आई स्क्वायर
आई स्क्वायर जैसे, तो फिर इसे इस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन आती है। माइनस वन कैसी आ गई, अंडर रूट ऑफ माइनस वन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बची, माइनस वन बची। ठीक है, देन उसके बाद में अगर यहाँ पर आई क्यूब, आई क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई क्यूब की वैल्यू कितनी आएंगी, माइनस वन आई आएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आई क्यूब दिया हुआ है, तो आई क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अभी आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर ही हमने देखी कितनी आई, माइनस वन आई, तो माइनस वन इंटू आई लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, माइनस वन आई हो गई इसकी वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू। एंड आई टू द पावर फोर, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आई टू द पावर फोर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज इक्वल्स टू प्लस वन। यहाँ पर ये आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई टू द पावर फोर, ये इन चारों की जो वैल्यूज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आगे जाके आप सभी को एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये चारों जो पावर्स है आई के, उनकी वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो उनमें आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जो है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसे हमें पार्ट्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है एक्सरसाइज 1.1 का वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फर्दर जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको नोट्स के हेल्प से पढ़ना है देन नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में हमें यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो अभी हमने देखा था। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस 16 प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 25 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 36 माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 625 दिया हुआ है। ठीक है, सो अभी पहले इसे हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 36 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 625 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। यहाँ पर अभी जब मैंने पावर्स ऑफ आई ऊपर में यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ है इसमें मैंने बताया कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। आई जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन होती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो अंडर रूट ऑफ माइनस वन है इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, आई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, 4i प्लस 3 इंटू 5 किसका स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का इंटू 5i प्लस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, अंडर रूट ऑफ माइनस वन को i लिखा, माइनस 625 किसका स्क्वायर होता है, 25i। ठीक है, देन यहाँ पर देखो फर्दर जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या आ गया, 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 19i माइनस माइनस 25 प्लस 6i कितना होता है, माइनस 19i, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसे ये वाला जो पूरा इक्वेशन था इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 0 आया। तो लास्ट में ये फाइनल आंसर आने के भी बाद में यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखना कि अंडर रूट ऑफ माइनस 16 प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 25 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 36 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में, सेकेंड वाला, 4 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 9 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 16, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। सो 4 इंटू 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, सो 2i प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को आई लिखे, माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 किसका स्क्वायर है, 4 आ एंड अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को आई लिखेंगे। सो 4 टू ज़ा 8i प्लस 5 3 ज़ा 15i माइनस 3 4 ज़ा 12i। सो फाइनल आंसर कितना आया हमारा, 11i आया। यहाँ पर भी जो फाइनल स्टेटमेंट है वो लिखना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमने ये वाली लिखी है। सो देयरफॉर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 4 प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 9 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 16 इज इक्वल्स टू 11i, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या कहा है, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इनका कॉन्जुगेट निकालना है. सो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना होता है तो उसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसकी साइन हमें अपोजिट कर देनी पड़ती है. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है थ्री प्लस आई का अगर हमें कॉन्जुगेट लिखना होगा तो इसके आंसर में कैसे लिखेंगे हम, इट्स कॉन्जुगेट इज थ्री माइनस आई. प्लस आई ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का. सो इसका कॉन्जुगेट लिखते वक्त हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन अपोजिट कर देंगे. यहाँ पर प्लस आई दिया हुआ है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा. सो हर एक क्वेश्चन के आंसर में इट्स कॉन्जुगेट इज थ्री माइनस आई ऐसे ही करके लिखना है आपको, ठीक है. देन नेक्स्ट सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, थ्री माइनस आई इसका कॉन्जुगेट लिखना है. सो यहाँ पर भी हम कैसे लिखेंगे, इट्स कॉन्जुगेट इज, यहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट वाला जो साइन है उसे का साइन चेंज करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस आई. यहाँ पर अभी मैं इट्स कॉन्जुगेट इज नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट जो क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व कर रही हूँ, बट आपको एग्जाम में इट्स कॉन्जुगेट इज फिर बाद में उसका फाइनल आंसर जो है वो लिखना है. यहाँ पर देखो माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस अंडर रूट ऑफ सेवन है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी. तो माइनस अंडर रूट ऑफ सेवन है दिया हुआ है तो प्लस अंडर रूट ऑफ सेवन है. नेक्स्ट यहाँ पर माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन. अभी इसका पहले क्वेश्चन नंबर वन में हमने देखा था कि अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव दिया हुआ है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन. अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हम फिर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, ये जो अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव आई माइनस, सो लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव आई जो दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट. तो इसका कॉन्जुगेट क्या आता है हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ फाइव आई आएगा क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो जीरो है एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव आई दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर फाइव आई दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस फाइव आई आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास में सिक्स्थ में देखो अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस आई दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस आई. सेवन्थ भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्जुगेट अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस आई आ जाएगा. एट नंबर में देखो अंडर रूट ऑफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री आई दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टू माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री आई आ जाएगा. यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री आई आएगा. देन नाइन्थ में देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. आई साइन थीटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया. कॉस थीटा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया. कॉस थीटा का साइन एज इट इज रहेगा, माइनस आई साइन थीटा आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन अपोजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है. नाउ मूविंग फॉर, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर वन और टू जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है. अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें ये जितने भी यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है तो उसमें हमें क्या करना है, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपेयर करके फिर ए और बी जो है इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो यहाँ पर देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस टू बी प्लस टू ए आई इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्स आई दिया हुआ है. सो इमेजिनरी पार्ट जो है उसको इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ में कंपेयर करेंगे एंड रियल पार्ट वाले को रियल पार्ट वाले के साथ में, ठीक है. सो इसे सॉल्व करते टाइम यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू फोर, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन वन. एंड यहाँ पर ये टू ए आई इज इक्वल्स टू सिक्स आई, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन टू. सो यहाँ पर से देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, टू ए इज इक्वल टू सिक्स आ गया, ए इज इक्वल्स टू सिक्स बाय थ्री हुआ विच इज इक्वल्स टू सिक्स बाय टू हुआ विच इज इक्वल्स टू थ्री. सो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई, ठीक है. अब ये जो ए की वैल्यू थ्री आई है इसे हम इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है. सो इक्वेशन नंबर वन जो था वो हमारा क्या है, ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू फोर है, इसमें हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. ए की वैल्यू कितनी आई, थ्री आई. सो थ्री प्लस टू बी इज इक्वल्स टू फोर हुआ. सो टू बी इज इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री विच इज इक्वल्स टू वन. सो देयर फोर बी इज इक्वल्स टू हाफ आई. सो जो मेन सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखना कि ए इज इक्वल्स टू थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू वन बाई टू, ठीक है. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री में जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं यहाँ पर आपको जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ में कंपेयर करना इक्वेशन का एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपेयर करके देन आपको ए एंड बी जो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या कहा है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल्स टू ए प्लस फाइव आई। ये देखो जहाँ पर भी ये आई आ गया, ये क्या हो गए, इमेजिनरी पार्ट हो गए, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपेयर करना। सो सेम यहाँ पर वैसे ही लिखना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट में a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा, ये क्या हो गया इक्वेशन वन, एंड इमेजिनरी पार्ट में a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू फाइव आई आ जाएगा, ये क्या हो गया इक्वेशन टू हो गई हमारी। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम इक्वेशन टू को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई आई कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू फाइव आएगा, ये हो गई फाइनल वाली इक्वेशन टू, एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, ये क्या है इक्वेशन वन है हमारे पास में। फिर यहाँ पर जब हम इक्वेशन वन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन को जैसे a माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। अब ये b की वैल्यू ज़ीरो आई, इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू में सब्सटीट्यूट करेंगे, सो a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू फाइव, सो देयर फोर ए इज इक्वल्स टू फाइव। सो यहाँ पर भी जो फाइनल सॉल्यूशन है आंसर का, उसमें ऐसे लिखना कि a इज इक्वल्स टू फाइव एंड b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी हमसे क्या कहा है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू टू प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई। सो यहाँ पर पहले हमें ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन, इसे पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर वो चीज़ पहले सॉल्व करनी है, देन उसके बाद में रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ में कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ में। ठीक है, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, ए का मल्टीप्लिकेशन टू के साथ में और आई के साथ में करेंगे पहले, फिर बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर टू और आई के साथ में करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया, टू ए प्लस ए आई प्लस टू बी प्लस बी आई इज इक्वल टू बी प्लस वन, ये वाला जो पार्ट है उसे एज इट इज़ लिखेंगे हम। ठीक है, बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई। अब यहाँ पर जो रियल वाला पार्ट है उसे साथ में लिख लेंगे हम, सो टू ए प्लस टू बी एक ब्रैकेट में प्लस ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई। अब यहाँ पर यह हमारा पूरा इक्वेशन बन गया अच्छे से, तब अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसे कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में ही लिखना यहाँ पे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है हमारा, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू बी प्लस वन, एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, a प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू टेन प्लस टू ए इंटू आई। सो 2a प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे ना आप सभी, वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व करनी है हमें। सो यहाँ पर फिर 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू वन, ये क्या होगा इक्वेशन वन, एंड देन इसे जब ये जो सेकंड वाला आया था इमेजिनरी पार्ट, उसे अगर हम सॉल्व करेंगे, आई आई कैंसिल हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन प्लस टू ए, सो ए माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन, सो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन, ये क्या हो गई इक्वेशन टू हो गई। सो यहाँ पर टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन है, यहाँ पर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन है। फिर यहाँ पर जो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे दो इक्वेशंस की, वो करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन टू को फ्रॉम इक्वेशन वन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, इक्वेशन टू क्या है हमारे पास में, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन है, उसे इक्वेशन वन के साथ में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो गई। इसे जब सॉल्व किए हम, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये थ्री ए इज इक्वल्स टू माइनस नाइन आ गया। सो देयर फोर ए इज इक्वल्स टू माइनस नाइन बाय थ्री विच इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, देयर फोर ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री आ गई। अब ए की वैल्यू को हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास में बी की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू,
सो माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन, सो थ्री प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन, बी इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री, सो देयर फोर बी इज इक्वल्स टू सेवन। यहाँ पर भी फाइनल सॉल्यूशन में लिखना कि ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू सेवन। फाइनल ए और बी की जो वैल्यू आई है वो लास्ट में लिखना, एंड साथ में यहाँ पर सॉल्व करते वक्त भी जो ए और बी की वैल्यू आती है उसे बॉक्स में कर देना ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो आपके पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे क्या कहा है कि ए बी आई इज इक्वल टू थ्री ए माइनस बी प्लस ट्वेल्व आई। सो यहाँ पर डायरेक्ट हमें इमेजिनरी वाला पार्ट दिया हुआ है, रियल वाला पार्ट कुछ दिया नहीं है, तो रियल वाला पार्ट क्या है जीरो। सो जीरो प्लस ए बी आई इज इक्वल्स टू थ्री ए माइनस बी प्लस ट्वेल्व आई। अब यहाँ पर ए बी आई और ट्वेल्व आई ये दोनों क्या हो गए, इमेजिनरी पार्ट हो गए। सो यहाँ पर भी हम पहली लाइन तो वही लिखेंगे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले इसमें कि 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यह आया रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाएगा ए बी आई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व आई। सो 3a इज इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी आई है 3a आई है, इसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लो। देन उसके बाद में यहाँ पर ए बी आई से ये आई आई कैंसिल हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व है, बी की वैल्यू कितनी आई है 3a आई है। सो यहाँ पर a इंटू थ्री ए इज इक्वल्स टू ट्वेल्व किया, सो 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, सो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर प्लस माइनस 2i, ठीक है। अब a की वैल्यू जो यहाँ पर प्लस माइनस 2i, उसे हम क्या करेंगे जो इक्वेशन वन है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू इन इक्वेशन वन, सो यहाँ पर कैसे आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू b दिया हुआ था, सो 3 इंटू प्लस माइनस टू इज इक्वल्स टू b, सो देयर फोर बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिक्स। यहाँ पर भी फाइनल सॉल्यूशन लिखना अपना कि a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एंड b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिक्स। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप से दिया हुआ है ताकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद में ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो दिया हुआ है। देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिविजन करके हम ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है वो सब दिया हुआ है। देन यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे क्या कहा है, वन अपॉन ए प्लस आई बी, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो डिविजन में दिया हुआ है। हमने अभी जितने भी ऑपरेशंस पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिनमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड उसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है वो सब देखा था, डिवीजन वाला रह गया था, तो वो हम अभी सम्स के हेल्प से देखेंगे कि जो डिवीजन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसे करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, वन अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू आई दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी को ऊपर लिखेंगे एंड वन अपॉन थ्री माइनस टू आई, थ्री माइनस टू आई को हमने डिवीजन में लिखा हुआ है। सो ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री माइनस टू आई, वन माइनस टू आई जो दिया हुआ है, थ्री माइनस टू आई जो दिया हुआ है, इसके कॉन्जुगेट से हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो वन अपॉन थ्री माइनस टू आई जो दिया हुआ है, थ्री माइनस टू आई जो दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है थ्री प्लस टू आई, सो हम क्या करेंगे इसे अभी थ्री प्लस टू आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो थ्री प्लस टू आई ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। सो ए प्लस आई बी ये एज इट इज रहा, यहाँ पर क्या आएगा थ्री प्लस टू आई, फिर उसके बाद में यहाँ पर थ्री माइनस टू आई और यहाँ पर थ्री प्लस टू आई, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये लोअर क्लासेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये थ्री स्क्वायर माइनस टू आई स्क्वायर, सो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई डिवाइडेड बाई थ्री स्क्वायर इज नाइन माइनस टू टू ज़ा फोर इंटू आई स्क्वायर। अब इसे भी हम यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू, मैंने कहा था पावर्स ऑफ आई में ही कहा था कि जितनी भी वैल्यूज़ है आई की वो सभी की सभी याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन होती है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे माइनस वन सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू आई डिवाइडेड बाई नाइन माइनस फोर इंटू माइनस वन,
ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4. 9 प्लस 4 इज 13. सो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 13. सो ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 इंटू आई. अब यहाँ पर भी ये पूरा एक इक्वेशन बन गया है जहाँ पर हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, देन ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देयरफोर ए इज इक्वल्स टू 3/13 एंड यहाँ पर आई बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाता है, आई बी इज इक्वल्स टू 2/13 इंटू आई. सो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2/13 आ जाती है. ठीक है, सो ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया. सो यहाँ पर हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ए प्लस आई बी इंटू 1+i इज इक्वल्स टू 2+i. यहाँ पर भी देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है उसका हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, ए एंड बी की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर ए को जो है उसे हम 1+i के साथ में पहले एक 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर i के साथ में, एंड देन आई बी को पहले हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई बी को i के साथ में. सो ए प्लस ए इंटू 1 ए प्लस आई बी प्लस ए इंटू आई ए आई प्लस आई बी इंटू 1 आई बी प्लस आई बी इंटू आई आई स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 2+i. सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जितना भी रियल वाला पार्ट है उसे साथ में रख रहे हैं एंड इमेजिनरी पार्ट वाले को साथ में. आई स्क्वायर पावर्स ऑफ आई में कहा था कि जो वैल्यूज़ है वो याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है. सो ए प्लस ए आई प्लस आई बी प्लस इंटू -1 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2+i. ए प्लस ए आई प्लस आई बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 2+i. अब यहाँ पर क्या है, जितना भी रियल पार्ट है उसे साथ में रखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट वाले को साथ में रखेंगे. सो ए माइनस बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2+i. यहाँ पर अभी ये पूरी एक इक्वेशन बन गई जहाँ पर हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो बराबर से कंपेयर करते आ रहे हैं. सो यहाँ पर हम क्या करें, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 आ गया एंड आई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आई. सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गया इक्वेशन 1, आई आई कैंसिल आ गया. सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गई इक्वेशन 2 हो गई. सो यहाँ पर भी हमें ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है, माइनस बी एंड प्लस बी दिया हुआ है. सो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, प्लस बी माइनस बी कैंसिल. सो 2a इज इक्वल्स टू 3, देयरफोर a इज इक्वल्स टू 3/2. अब a इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, उसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या फिर 2 में. सो सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 1. सो 3/2 माइनस b इज इक्वल्स टू 2, 3/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू b, देयरफोर b इज इक्वल्स टू -1/2. सो सिक्स नंबर में हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आई, 3/2 आई, b की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है. एक्सरसाइज 1.1 जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसे हमें पार्ट्स में ही सॉल्व करने पड़ेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तब तक के इस चैनल के साथ में बने रहिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में. एंड अगर आपको नोट्स के हेल्प से पढ़ना है, देन नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.